बिना कंडीशनर लगाए अपने बालों को सिल्की कैसे करें, इसके लिए वीडियो पूरा देखें तभी आपको समझ में आएगा। और अगर आपको मेरे लंबे बालों का राज जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं आए दिन अपने बालों के बारे में शेयर करती हूं कि मैं अपने बालों पे क्या लगाती हूं और कब कैसे क्या लगाना है। थोड़ा बहुत ध्यान रखिए तो आपके भी बाल लंबे हो सकते हैं। मैंने कई वीडियो में बताया है कि अगर मेरे बाल लंबे हो सकते हैं तो किसी के भी बाल लंबे हो सकते हैं। हेलो फ्रेंड, सुधा फैमिली ब्लॉग में आपका स्वागत है। और आप देख सकते हैं आज मेरे बाल कितने सिल्की। वैसे तो मेरे बाल हमेशा सिल्की रहते हैं, ऐसा नहीं है कि आज है। मैं कुछ ना कुछ वैसे तो कंडीशनर भी यूज़ करती हूँ और मैं कई तरह की चीज़ें यूज़ करती हूँ जो आपके साथ शेयर भी करती हूँ। कौन सी शैम्पू लगाते हैं अपने बालों में वो भी कई बार शेयर किए हैं, लेकिन क्या होता है कि बहुत लोग नए जुड़ते हैं या बहुत लोग स्किप करके वीडियो देखते हैं तो उनको नहीं पता होता है। तो आज मैं वो भी बताऊंगी कि मैं कौन सी शैम्पू लगाती हूँ। अगर आप कंडीशनर नहीं लगाना चाहते हैं और फिर भी चाहते हैं कि आपके बाल सिल्की रहें तो उसके लिए शैम्पू में क्या मिलाकर लगाएं जिससे आपके बाल सिल्की हो जाएंगे। और तुरंत उसको मिला के और तुरंत लगा के शैम्पू कर लीजिए, मतलब शैम्पू में मिला के और तुरंत बाल धुल लीजिए। कोई कुछ देर तक रखना भी नहीं है कि कुछ देर तक बाल में रखना है। बहुत लोगों के पास ऐसा होता है ना कि उनके पास समय नहीं होता है कि कुछ देर अपने बालों में कुछ लगा के रखें और फिर उसके बाद धुलें। तो हम हाउसवाइफ हैं तो थोड़ा बहुत इधर उधर काम करते हुए अपने लिए समय निकाल लेते हैं, लेकिन बहुत सारी औरतें हैं जो घर भी देखती हैं और बाहर भी देखती हैं, उनके पास बिल्कुल समय नहीं होता कि अपने फेस के लिए या अपने बाल के लिए थोड़ा भी समय निकालें। तो आज मैं एक ऐसा उपाय लेके आई हूँ जिससे कि आपको बिल्कुल समय नहीं देना है और तुरंत अपने शैम्पू कर लीजिए और बिना कंडीशनर के आपके बाल इतने सिल्की हो जाएंगे। आप देख सकते हैं आज मैंने उसी से शैम्पू किया हुआ है। अगर आपके बाल सिल्की हो जाएंगे तो टूटेंगे कम, जितने बाल सिल्की रहते हैं उतने टूटते कम हैं। तो इसके लिए वीडियो शुरू करने से पहले अगर आज की मेरी ये वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए हो या रेगुलर आते हो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि कोई भी वीडियो डालूँ तो उसका नोटिफिकेशन तुरंत आपको मिल जाए। तो चलिए फिर देखते हैं कि क्या शैम्पू में मिलाना है। सबसे पहले आपको पानी चढ़ा देना है और पानी में एक चम्मच चाय पत्ती डाल के फिर चाय पत्ती को अच्छे से पका लेंगे। जब चाय पत्ती अच्छे से देखिए पक गया है तो फिर बंद करके और इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करने के बाद एक कटोरी में निकाल लेंगे और फिर इसमें एक चम्मच एलोवेरा जेल, पतंजलि का है तो ये बड़ा चम्मच है तो थोड़ा सा कम लिए हैं। और फिर ये आयुर का शैम्पू यूज़ करते हैं, आप कोई भी शैम्पू ले सकते हैं जो आप यूज़ करते हैं। तो दो चम्मच शैम्पू है तो आपको जितना लगे कि इतने में मेरा बाल धुल जाएगा उतना शैम्पू ले सकते हैं। और फिर इसको अच्छे से मिला लीजिए और कभी भी शैम्पू डायरेक्ट बाल में नहीं लगाना चाहिए। आप इस तरह से नहीं कर रहे हैं तो पानी में शैम्पू को पहले घोल के फिर बाल में लगाएं। तभी इसे मैं अपने बालों में लगा कर दिखा रही हूँ। और इसको लगाने के लिए कोई अलग से नई ट्रिक है कि ऐसे लगाना है जैसे आप शैम्पू करते हैं वैसे बस अपने बालों में लगा लीजिए। और डायरेक्ट शैम्पू कभी भी बाल में लगाएंगे तो उससे बाल बहुत झड़ते हैं, तो थोड़ा सा ही पानी में पहले शैम्पू को घोल के फिर लगाना चाहिए। और इस तरह से लगाने पे यकीन मानिए बहुत फ़र्क दिखा था। जिनके पास बिल्कुल समय नहीं होता है कि वो कुछ मिनट छोड़ सकते हैं अपने बालों में कुछ लगा कर तो वो इस तरह से शैम्पू करें, उनके बाल बहुत सिल्की हो जाएंगे। फेस के लिए कुछ भी बताऊं या बाल के लिए बताऊं तो मैं अपने बालों पे अपने फेस पे खुद अप्लाई करती हूं तब आपके साथ शेयर करती हूं। ऐसा नहीं रहता कि कुछ भी आपको बता दी और खुद पे नहीं लगाए, तो मैं खुद पे लगाती हूं, मुझे उसका रिजल्ट अगर अच्छा लगता है तब मैं आपके साथ शेयर करती हूं। और आज मैंने ये शैम्पू किया हुआ है तो आप देख सकते हैं कंडीशनर आज मैं नहीं लगाई हूँ, देख सकते हैं। और बाल इतने होते हैं कि जैसे हाथ से ऐसे कर लो तो बिल्कुल उलझते नहीं हैं। इसको लगाने में बिल्कुल झंझट नहीं है, केवल अपने शैम्पू में थोड़ा सा बस मिला लीजिए और मिलाने के बाद लगा लीजिए और कोई समय नहीं देना है। जैसे आप नॉर्मल शैम्पू करते हैं वैसे शैम्पू कर लीजिए फिर बाल को धुल लीजिए। तो कंडीशनर का भी काम करता है,
इस तरह से एलोवेरा जेल अपने बालों में लगा लें तो शाइनिंग वैसी ही बनी रहेगी। और बाल जब भी मैं कंघी करती हूँ अगर बाल जैसे स्लिप करते तो बहुत अच्छे लगते हैं। कितना आसान है इसको बना के, इसमें कुछ खास करना भी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, किचन में भी बहुत देर नहीं लगेगा। तो बस शैम्पू में इसको मिला के और लगा लीजिए, आप शैम्पू करने के बाद खुद अपने बालों पर फ़र्क देखेंगे। तो कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी आज की मेरी ये वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।